हेलो दोस्तों, स्वागत है श्वेता किचन रेसिपी में। आज मैं व्रत में बनाई जाने वाली नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आलू से नमकीन बनाएंगे जो नवरात्रों में बनाई जाती है। इसके लिए मैंने दो आलू लिए हैं, इनको मैं अच्छे से छील लूंगी। पहले देखिए, आलूओं को मैंने छील लिया है। अब मैं एक ग्रेटर की सहायता से बड़े वाले से मैं इसको ग्रेट करूंगी। ग्रेट करने के बाद मैं इसमें ये आलू जो हमने ग्रेट किए हैं, एक बाउल में पानी ले लेंगे, उसमें ऐड कर दूंगी। देखिए, दोनों आलू मेरे लच्छे बन गए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं और कितने सारे हुए हैं। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ 2 टाइम्स। देखिए, अच्छे से वॉश कर लिए हैं। एक टॉवल ले लेंगे साफ, और इसको हम फैला कर इस तरीके से टॉवल पे डाल देंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हल्का सा सूख जाए और ड्राई हो जाए हल्का सा। इस तरीके से हम सभी को फैला देंगे। इसको 15 मिनट्स के लिए, 15-20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका एकदम पानी सूख जाना चाहिए और यह हल्के से ड्राई हो जाने चाहिए, तब हम इसको कुक करेंगे। देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं और देखिए एकदम पानी इसका ड्राई हो गया है। देखिए बिल्कुल भी गीले नहीं रहे हैं। अब इनको हम तल लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। देखिए ऑयल अच्छा गर्म है। इसमें मैं इस तरीके से चारों तरफ डालूंगी। ऑयल को हम अच्छा ही गरम लेंगे, कम गरम होगा तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। इनको हम चलाते रहेंगे। एक दो मिनट के लिए इसी तरीके से हम कुक करेंगे। देखिए 30-40 सेकेंड्स बाद इसका जो एकदम जो बबल्स उठ रहे थे वो एकदम शांत हो जाएंगे, और इसे 1 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। जब बबल्स शांत हो जाएंगे तो इसे 1 मिनट के लिए और कुक करना है। सिर्फ 1 मिनट बाद इसको हम निकाल लेंगे। देखिए गोल्डन कलर भी आ गया है। देखिए इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद मैं इसे एक बाउल में निकालती जाऊंगी इस तरीके से। बाकी सभी भी हम इसी अकॉर्डिंग फ्राई कर लेते हैं। देखिए आलू के लच्छे जो मैंने बनाए थे वो एकदम क्रिस्पी ये तल लिए हैं मैंने। अब मैं यहाँ साइड से कढ़ाई में ये मूंगफली ली है, रॉ पीनट्स ली हैं, यहाँ मैंने इनको मैं फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। इनको हम तल लेते हैं मूंगफलियों को, जिससे कि अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए। इसको 1-2 मिनट के लिए तल लेंगे। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं 1 मिनट बाद ही, ज्यादा नहीं करें वरना इसका मूंगफली का कड़वापन आ जाता है, इसलिए इसको हल्का ही रोस्ट करना है। गैस को ऑफ कर देंगे। इसमें ही मैं इन पीनट्स को ऐड कर दूंगी, एंड यहाँ मैंने सेंधा नमक लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे एंड ब्लैक पेपर पाउडर, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़े बर्तन में डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। रेडी है हमारी फलारी नमकीन। इसे आप 9 डेज के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। रेडी है मेरी फलारी नमकीन। आप भी ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।